फिल्म की कहानी फॉलो करती है क्रिस्टी अर्ल, लीज हंटर और बेन माइकल नाम के तीन टूरिस्ट को, जो कि ब्रूम शहर से क्वींसलैंड जाने वाले हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें मिलता है साइकोपैथ माइक टाइलर, जो कि एक बेरहम कातिल है और अब इन तीनों का शिकार करेगा। फिल्म का नाम है वुल्फ क्रीक, जिसे 2005 में रिलीज किया गया था। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मूवी ने 35 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कमाई की थी, जबकि इस फिल्म का बजट मात्र 1.4 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। वीडियो में बहुत सारे ब्रूटल ग्राफिक्स हैं, तो अगर आप ऐसे विजुअल से अनकंफर्ट फील करते हो तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो। इंट्रो के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पहले से सब्सक्राइब किए हो तो बहुत धन्यवाद। मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से 90% एक महीने के अंदर में ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन बाकी के 10% लोगों का कुछ पता नहीं चलता है। मूवी स्टार्ट होती है 1999 में। ब्रूम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बेन नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी जर्नी के लिए एक पुरानी कार खरीदता है। इसके बाद से दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जिनका नाम लीज और क्रिस्टी है, और ये अपने जर्नी के लिए प्लानिंग कर रही हैं। अगले ही सीन में ये लोग जर्नी पे दिखते हैं और अंधेरा होने से पहले उल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं और रात वहीं बिताते हैं। सुबह जल्दी से उल्फ क्रीक को गुड बाय बोल के वहां से निकल जाते हैं। काफी समय तक ट्रैवल करने के बाद से ये पहुंचते हैं ईमो क्रीक, जहां क्रिस्टी फ्रेश होने के लिए चली जाती है और बेन अपने गाड़ी के पास कैमरा में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। इसके बाद से क्रिस्टी और लीज खाने के लिए अंदर जाती है। वहां बैठे कुछ लोग क्रिस्टी और लीज को घूरने लगते हैं। बेन जब अंदर आता है तो वहां बैठे लोग उसे अपने पास बुलाते हैं और दोनों लड़कियों के बारे में बेन से उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। बेन को तो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उलझना नहीं चाहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद से ये तीनों गाड़ी में बैठ के आगे के जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद से ये पहुंचते हैं उल्फ क्रीक नेशनल पार्क, जहां उल्का पिंड गिरने की वजह से एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। ये लोग थोड़ी देर के लिए वहां रुकते हैं, लेकिन जब वहां से निकलने वाले होते हैं तभी इनको पता चलता है कि इनके वॉचेस बंद पड़ गई हैं। लेकिन इस बात पे ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जब बेन गाड़ी स्टार्ट करने जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर बेन बोनट खोल के गाड़ी को चेक करता है, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात गाड़ी के अंदर ही बिताएंगे, और फिर ये लोग गाड़ी के अंदर बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ दूरी पे लाइट दिखाई देता है, जो कि इनके करीब आ रहा होता है। पहले तो ये लोग लाइट को देख के काफी डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये लाइट इनके करीब आता है तो पता चलता है कि ये लाइट एक ट्रक का था। ट्रक से मिग नाम का एक आदमी निकलता है। फिर मिग इनके कार को चेक करने लगता है। थोड़ी देर बाद मिग इन्हें बताता है कि मैं इस कार को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने टूल्स अपने कैंप में भूल गया हूँ। अगर उन्हें अपनी कार ठीक करानी है तो उन्हें मिग के साथ कैंप जाना होगा, और उसके लिए मिग पैसे भी नहीं लेगा। काफी देर तक बात करने के बाद से ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग मिग के साथ जाएंगे। मिग इनके कार को ट्रक के साथ टो करके ले जाने लगता है। चारों तरफ घना अंधेरा होता है। 4-5 घंटे लगातार चलने के बाद भी ये लोग मिग के कैंप पे नहीं पहुंच पाए होते हैं। इनके अंदर घबराहट बढ़ जाती है, लेकिन कई घंटों के सफर के बाद से फाइनली ये लोग मिग के कैंप पे पहुंच जाते हैं, जो कि एक पुरानी माइनिंग साइट पे था। यहाँ पहुंचने के बाद से ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं और मिग इन्हें पीने के लिए ड्रिंक्स देता है और अपने पास्ट के बारे में इन्हें बताने लगता है। और यहाँ मिग के बारे में पता चलता है कि पहले वो एक हेड शूटर था, जो जानवरों का शिकार करता था। बेन अपने बातों को काफी मजाकी अंदाज में बताता है, लेकिन जब बेन उससे मजाक करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और बेन को अजीबोगरीबो तरीके से घूरने लगता है। अब बेन मिग से पूछता है कि अब तुम क्या करते हो, तो मिग बताता है कि मैं अब भी जानवरों का शिकार करता हूँ, जैसे कि टूरिस्ट। ये सुन के बेन हंसने लगता है और उसे लगता है कि मिग उससे मजाक कर रहा है। फिर इसके बाद से मिग वहां से चला जाता है और कार ठीक करने लगता है। दरअसल गाड़ी ठीक करने का एक बहाना था, एक्चुअल में उसका प्लान कुछ और ही था। तभी हम देखते हैं कि बेन और उसके साथी गहरी नींद में सो गए, क्योंकि ड्रिंक्स में मिग ने कुछ मिलाया था। फिर सीन सुबह पे शिफ्ट होता है और लीज एक कमरे में बंधी पड़ी होती है, जिसे वो बुरी तरीके से डर जाती है। और जब वो बाहर की तरफ देखती है तो उसे बाहर कोई नहीं दिखता है, लेकिन उनका सामान बिखरा पड़ा मिलता है। फिर लीज दरवाजे की तरफ बढ़ती है और उसे खोलने का प्रयास करती है, लेकिन खोल नहीं पाती। फिर थक के वहीं बैठ जाती है और धीरे धीरे शाम हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर कांच के टुकड़े पे पड़ता है, जिसके हेल्प से अपने हाथ की रस्सियां काट देती है।
और जब वो खिड़की से बाहर आती है तो पता चलता है मिग ने उनकी कार के सारे पार्ट्स को अलग अलग खोल के रखा है, और पास में ही एक खून से सना कपड़ा दिखता है जिसे वो काफी डर जाती है और जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी उसे क्रिस्टी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, और जब लीज वहां जाके देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां मिग क्रिस्टी को बांध के उसे टॉर्चर कर रहा था। लीज क्रिस्टी को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। सबसे पहले वो बाहर आती है और पेट्रोल छिड़क के वहां आग लगाती है, फिर पास में ही पड़ा सिलेंडर को आग में डाल देती है जिससे एक बड़ा धमाका होता है, और धमाके की आवाज सुन के मिग बाहर आके आग को बुझाने लगता है। इधर मौका पाके लीज क्रिस्टी के पास जाती है और देखती है कि उसके चारों तरफ और भी लड़कियों की लाशें हैं। इट मींस कि मिग का ये पहला शिकार नहीं है और ये लोग अब मिग के जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। क्रिस्टी लीज से बेन के बारे में पूछती है, बट वहां उससे पहले मिग आ जाता है, लेकिन लीज वहां पे छुप जाती है और मिग क्रिस्टी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी लीज के सामने एक गन पड़ी रहती है जिसे वो उठा लेती है और मिग के तरफ पॉइंट कर देती है। लीज के हाथ में गन देख के मिग क्रिस्टी को छोड़ के लीज की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिग गन से फायर कर देती है और बुलेट मिग के गर्दन को टॉच करते हुए आगे निकल जाती है। मिग वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब लीज क्रिस्टी के साथ बाहर भागती है और फिर कार के पास पहुंचती है, लेकिन ये लोग कार में बैठते हैं तो इन्हें पता चलता है कार के अंदर चाबी नहीं है। लीज वापस भाग के अंदर जाती है और बेहोश पड़े मिग के पॉकेट से चाबी निकालती है। अब जैसे ही कार स्टार्ट करती है तभी मिग साइड से बाहर आके इन पे गन पॉइंट कर देता है और गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एक भी निशाना इन दोनों पे नहीं लगता है। फिर लीज कार को मिग की तरफ बढ़ाती है उसे कुचलने के लिए, बट मिग साइड के अंदर भाग जाता है और बच जाता है। इसके बाद से ये दोनों कार घुमा के बाहर भाग जाते हैं, बट मिग इतनी आसानी से इन्हें छोड़ने वाला नहीं था। फिर दूसरे कार से इन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन लीज जान बचाने के लिए कार बहुत तेज चलाने लगती है। तभी लीज के सामने एक बहुत बड़ा खाई नजर आता है और वो अपनी कार का ब्रेक लगा देती है जिससे कि कार खाई के एकदम किनारे पे रुकती है। वहां लीज एक प्लान बनाती है, वो कार को खाई में धकेल के एक जगह पे छुप जाती है। तभी वहां पे मिग आता है और खाई में पड़े कार को देखने लगता है और चेक करने के लिए वो खाई में नीचे उतर जाता है। इसके बाद से लीज और क्रिस्टी मिग के कार के पास पहुंचती है और वहां उसकी कार को स्टार्ट करने के लिए जाती हैं। तभी देखती हैं कि कार में चाबी नहीं है, लेकिन लीज मिग के साइड से बहुत सारे चाबियों का एक गुच्छा लाई होती है और वो सोचती है कि इसके पास बहुत सारे कारें होंगी, इसलिए वे दोनों माइनिंग साइट पे पहुंचती हैं जहां मिग साइट के अंदर जाने से पहले क्रिस्टी को बाहर वेट करने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम यहाँ से भाग जाना, और कार लेने के लिए साइड के अंदर जाती है जहाँ उसे बहुत सारे न्यूज़पेपर के कटिंग्स दिखती हैं और वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ भी नज़र आती है। इसके बाद से वहाँ एक रिवॉल्वर, बहुत सारे फोटोज, पासपोर्ट्स और टूरिस्टों के सामान भी मिलता है। ये सामान उन टूरिस्टों का होता है जिसे मिग ने पहले ही मार दिया है। यहाँ मिग को बेन का कैमरा भी मिलता है जिसमें देखने से पता चलता है कि पहले मिग टूरिस्टों का मदद करता है, फिर उन्हें अपनी जाल में फंसा के मार देता है। कुछ वीडियोज देखने के बाद से उसमें मिग का ट्रक भी नजर आता है जिससे समझ में आ जाता है कि मिग पहले से इन लोग का पीछा कर रहा था। इसके बाद से लीज सेट के बाहर आके कार स्टार्ट करने लगती है। बहुत सारे चाबी ट्राई करने के बाद से फाइनली एक चाबी से कार स्टार्ट हो जाती है। तभी पता चलता है कि उस कार के अंदर मिग पहले से ही है। तभी मिग लीज के पेट में चाकू मार देता है और लीज कार से बाहर गिर जाती है। बाहर आके मिग लीज को लगातार चाकू मारता रहता है और लीज वहीं मर जाती है। इधर 5 मिनट से ज़्यादा होने के कारण क्रिस्टी वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते हाईवे पे पहुँच जाती है, और इधर सुबह भी हो जाता है। रोड पे एक भी गाड़ियाँ नहीं होने के कारण क्रिस्टी पैदल भागने लगती है और भागते भागते काफ़ी थक जाती है और थकावट के कारण रोड पे ही बैठ जाती है। तभी पीछे से एक कार आती हुई दिखाई देती है। क्रिस्टी उस कार को हेल्प के लिए हाथ देती है। उस कार से एक बुढ़ा आदमी निकलता है और क्रिस्टी को कार के अंदर ले लेता है। वो बुढ़ा आदमी जैसे ही क्रिस्टी के लिए ब्लैंकेट और पानी लेने के लिए गाड़ी के डिग्गी के पास जाता है, तभी दूर बैठा मिग उस बुढ़े को शूट कर देता है और वो बुढ़ा आदमी वहीं मर जाता है। बुढ़े आदमी को मरा देख के क्रिस्टी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो भागने के लिए जैसे ही कार को स्टार्ट करने जाती है तो पता चलता है उसमें चाबी ही नहीं है, वो चाबी डिग्गी में होता है। फिर क्रिस्टी भाग के डिग्गी से चाबी लाती है और कार स्टार्ट करके भागने लगती है, लेकिन मिग अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। एक पॉइंट पे ये दोनों पैरलर होते हैं। तभी क्रिस्टी अपनी कार से एक जोरदार टक्कर मारती है जिससे डिसबैलेंस होकर मिग की कार सड़क से नीचे उतर जाती है। ये देख के क्रिस्टी काफी खुश होती है।
तभी मिग अपने स्नाइपर गन से क्रिस्टी के कार के पिछले हिस्से को शूट करता है, जिसके वजह से क्रिस्टी का कार पलट जाता है। अब क्रिस्टी घायल अवस्था में जैसे तैसे आगे बढ़ने लगती है, तभी मिग उसे हेड शॉट मारता है और क्रिस्टी वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिग क्रिस्टी के बॉडी को अपने वैन में लोड कर रहा होता है, जिसमें पहले से ही एक डेड बॉडी रखी है। इसके बाद से मिग उस ट्रक को आग लगा देता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन अभी भी जिंदा है और मिग उसे वायर से बांधा हुआ है। वहां और भी डेड बॉडीज रखी हुई है और एक पिंजरे में एक शिकारी कुत्ता भी है। बेन काफी ट्राई करने के बाद से खुद को आजाद कर लेता है और वहां से भागने लगता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। पानी की कमी के कारण बेन वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है और अगली सुबह वहां पे दो टूरिस्ट आते हैं। वो बेन को देख के रुक जाते हैं और वो उनको उठा के अपनी कार में लेके जाते हैं। इसके अगले सीन में देखते हैं कि पुलिस की मदद से बेन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि पुलिस काफी कोशिश करने के बाद से भी लीज और क्रिस्टी को नहीं ढूंढ पाती है। इधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि बेन ही इसका इकलौता गवाह था और उसके पास भी कोई ना पुख्ता सबूत था और ना कोई एग्जैक्ट लोकेशन था। बेन को 4 महीने पुलिस कस्टडी में रखने के बाद से उसे छोड़ दिया जाता है और वो अब साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि मिग अभी भी जिंदा है और वो खुखार भेड़िए की तरह अपने अगले शिकार की तलाश में है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा उल्फ क्रीक का हिंदी एक्सप्लेनेशन कमेंट में बताना, और इस मूवी का सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।